हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मिक्स वेज रेसिपी बना रही हूँ जो सुपर डुपर यम्मी और टेस्टी होगी, झटपट बनने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या करना है, आपके पास जितने भी वेजेस है सबको कट करना है। टमाटर, लौकी, कद्दू, बैंगन, आलू और थोड़ी सी साग भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई वेजेस हो वो भी ऐड कर सकते हैं। तड़के के लिए यहाँ पर टमाटर, कद्दूकस किया हुआ, अदरक एंड हरी मिर्च। यहाँ पर मैंने लिया है 5 पूरन, थोड़ा सा जीरा और एक तेज पत्ता। कढ़ाई में या कुकर में आप इसे बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने यूज़ करा है कुकर में, जो फटाफट बनने वाला है। इसमें मैंने ऐड करा है मस्टर्ड ऑयल। जब तक ये गर्म होगा उसके बाद इसमें हमें ऐड करना है हमारा 5 पूरन मसाला। देन ऐड करेंगे मिर्च, टमाटर एंड अदरक। इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। फिर इसमें हम कुछ बेसिक मसाले ऐड करेंगे। इसमें ऐड करा है मैंने स्वाद अनुसार नमक एंड ऐड करा है हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐड करेंगे धनिया पाउडर एंड रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून। अच्छे से इन सबको मिक्स करेंगे जब तक हमारे टमाटर गल नहीं जाते। इसको हम ऐड करेंगे। इसके बाद हमारी जितनी भी वेजेस थी वो सब इसमें ऐड करेंगे। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाला हमारे सारे वेजेस में ऐड हो जाए। कुछ मिक्स करने के बाद ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। देन इसमें हम ऐड करेंगे पानी। पानी हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि लौकी पानी छोड़ता है, तो इसमें है ना थोड़ा ही पानी ऐड करेंगे हम। जैसे आप देख पा रहे हो सब्जी हमारे ऊपर ही है, उसके नीचे हमारा पानी ऐड किया है। इसमें हमें 1 सीटी लगानी है। सीटी लगाने के बाद इसको ओपन करना है, थोड़ी देर उबालेंगे। इसमें ऐड करना है जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी। इससे इसका टेस्ट अच्छा आएगा। डोंट वरी, अभी थोड़ा सा पानी है। इसका पानी हमें 3 से 4 या 5 मिनट तक इसको सोक करना है, देन रेडी है। सो इसको गर्मा गर्म पूड़ी या राइस के साथ आप खाइए। कमेंट करो और बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके डिमांड में वो वीडियो आएगा।